देखिए आज हम लोग मसा निकालना सीखेंगे जो कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बोला है यहां पर कि x² - 1, x³ + 1 और x + 1 के होल स्क्वायर का मसा क्या होगा। आसान तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए हल हो गया और x² - 1, फिर इसको हम लोग लिखेंगे x³ + 1 और इसको लिखेंगे ये वाला यहां। अब देखिए एक चीज को समझते हैं, इसको अगर हम x² - इसका होल स्क्वायर लिख दें तो इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है x+1 और x-1। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है a² - b² = a+b और a-b। इस फॉर्मूला पे हमने तोड़ दिया उसको, ठीक है। अब देखिए यहां है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ + 1 के³। इसको क्या किया जाएगा, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ बराबर होता है a+b और a² + b² - ab, ठीक है। अब इसी पर इसको तोड़ते हैं। अब a² + a² और -x^1, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, a+b के होल स्क्वायर है तो इसको तो हम दो बार लिख सकते हैं ना ऐसे स्क्वायर है, तो इसको हम x+1 और x+1 ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा मसा जो सभी में मिलेगा वही मेरा मसा होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला और ये वाला तीनों में एक जैसा है ना, तो हमारा हो गया मसा x+1, ये आंसर हो गया। देखिए दो नंबर सवाल है यहाँ x² + 5x + 6 और x² - x - 6 का मसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग इसको बनाते हैं, x² + 5x + 6 और ये वाला यहां x² - x - 6। अब देखिए गुणनखंड, गुणनखंड हम लोग जो पढ़े हैं ना वो देखेंगे कैसे बनेगा। बताइए ये देखना है कि ये और ये किस पहरा में आता है, यानी पांच का छह का समझते हैं हम लोग, ये छह है तो छह को गुणनखंड हम दो और तीन कर सकते हैं, तो गुना करने पर छह आ गया और जोड़ेंगे तो पांच आ जाएगा। तो यही चीज हमको यहां लिखना है, तो x² + 3x + 2x + 6, ठीक है। अब देखिए यहां समझिएगा इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां कॉमन x ले लेते हैं तो x+3 हुआ और यहां कॉमन 2 तो x+3 हो गया और ये दोनों एक जैसा मिल गया। अब इसका तो सोल्यूशन ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे बनाएं। अब देखिए इसका गुणनखंड अभी हम लोग देखे थे कितना था, 6 का 3 और 2, तो इसको देखिए इसको हम लिखेंगे 3x + 2x और -6। अब यहां x² देखिए अब कॉमन ले लेते हैं, इसमें x को कॉमन ले लिए तो x-3 और यहां 2 तो x-3 और ये दोनों ये मिल गया तो एक लिख लिए। अब देखिए यहां पर क्या है,
कि दोनों में क्या मिल रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों में इक्वल है, एक जैसा है, तो लिखेंगे यहाँ मौसम बराबर एच प्लस दो एंसर। देखिए तीन नंबर सवाल जो है यहाँ बोर्ड पर कि 9xy² पोस्ट में x प्लस वाई तथा 12x² y कोस्ट के अंदर है x² - y². तो देखिए हम क्या करते हैं इसको 9xy² x + 12x² y। अब देखिए इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 3 × 3 x y × y यानी 2y है, इसलिए अब इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3 और x × x, एक वाई है तो y, और देखिए इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, इसके जैसे यहाँ पर है ना a² - b² बराबर होता है a प्लस बी और a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक बार x + y और x - y लिख देंगे। अब मौसा होता है जो दोनों में मिले, ठीक है, मौसा देखिए 3 मिल गया यहां और x मिल गया, उसके बाद y मिल गया और ये भी मिल गया x+। अब इसको गुना करेंगे तो 3xy और x+, ये हमारा आंसर आ गया मौसम। देखिए जो 4 नंबर सवाल है x + 2, x² + 4x + 4 और जो है x³ + 8 का मौसा क्या होगा, तो वो देखते हैं कैसे निकालना है। x² + 4x + 4 और x³ + 8। अब देखिएगा यहां इसको तो हम सिर्फ वैसे ही उतार देते हैं, जो भी है ऐसे लिख दिए, चलो मिटा देते हैं, और इसको हम इस तरीके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड जैसे निकाला जाता है ना कि गुणा करने पर 4 और जोड़ के भी 4, तो कौन संख्या है, तो 2 है, तो x² + 2x + 2 + 4। अब यहां पर x कॉमन ले लिए x + 2 और यहां पर 2 कॉमन ले लिए तो x + 2 और x + 2 और x + 2 यहां तो निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग एक फॉर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ + 2³, ठीक। अब ये एक फॉर्मूला बनता है aq + bq फॉर्मूला, तो उस पर हम लोग तोड़ते हैं x + 2 और x² + 2² - x² × 2। यहां x + 2 और x² + 4 - 2। अब देखिएगा क्या हम लोग के सामने आया है, ये वाला ठीक है और ये वाला मिल रहा है और ये वाला मिल रहा है, तो मौसम मेरा हो गया मौसम बराबर x + 2 आंसर, ठीक। तो देखते हैं ये वाला हम लिखते हैं पहले, ये वाला ठीक,
तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए क्यू और माइनस वन के क्यू। तो ये पता चल गया कि ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और कोस्ट के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम इसको तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस के वन स्क्वायर और प्लस के एक्स गुने वन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस के एक्स, ठीक है। अब इसको लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यानी कहा जाए कि कौन संख्या है गुना करने पर एक और जोड़े तो दो, तो ये हुआ माइनस के वन और ये भी हुआ माइनस के वन। माइनस माइनस प्लस गुना करेंगे तो एक हो जाएगा और माइनस माइनस दोनों जोड़ेगा तो माइनस के दो हो जाएगा। तो ये पता चल गया, तो वन को एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस के वन, एक्स कॉमन ले लिए ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए इसमें ये मेरा एक जैसा है और ये तो दोनों कोई भी ले ले एक के जैसा है, तो ये वाला ले लिए ठीक। और ये दोनों जब मिल रहा है तो मेरा मस एक्स माइनस वन, ठीक है।